कलंक की रिलीज तारीख में बदलाव, अब इस दिन होगी रिलीज। करण जौहर की कंपनी की नई फिल्म कलंक की रिलीज तारीख में हल्का सा बदलाव किया गया है। ये फिल्म अब तक आगामी 19 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। मिली जानकारी के अनुसार अब इसे दो दिन पहले यानी 17 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। इस बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि उसी सप्ताह में महावीर जयंती और गुड फ्राइडे की छुट्टियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। करण जौहर की कंपनी की इस मल्टी स्टार कास्ट फिल्म के प्रमुख किरदारों के पोस्टर पिछले दो दिनों में सोशल मीडिया पर लॉन्च किए गए। गुरुवार को फिल्म में काम कर रहे संजय दत्त, वरुण धवन और आदित्य राय कपूर के पोस्टर लॉन्च हुए, तो अगले दिन यानी महिला दिवस के मौके पर फिल्म की प्रमुख महिला कलाकारों माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा के पोस्टर लॉन्च हुए। संजय दत्त इस फिल्म में बलराज चौधरी का रोल कर रहे हैं, तो वरुण धवन के किरदार का नाम जफर है। आदित्य राय कपूर इस फिल्म में देव चौधरी का किरदार निभा रहे हैं। महिला किरदारों की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित इस फिल्म में बहार बेगम, आलिया भट्ट रूप और सोनाक्षी सिन्हा सत्या नाम के किरदार में नजर आएंगी। 1940 के बैकड्रा पर बनी इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के आसपास बताया गया है। अभिषेक वर्मन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।